के लिए भेजना और वहां तमाम तर इंतजाम इनकी ट्रेनिंग के लिए करना, इनको फाइनेंस करना और इनको फिर टास्क असाइन करते थे जो बिलावास्ता या बिल वास्ता तरीके से इनको असाइन होता था। और ये छीनी हुई मोटरसाइकिलों पे और असला और गाड़ियाँ इन फाइनेंसेस से खरीदते थे। पिछले डेढ़ साल में लगभग 70 लाख रुपए की रकम इनके ऊपर स्पेंड हुई है इनकी ट्रेनिंग पे और दीगर इनको इक्विप करने के लिए। एक इनके साथी सैयद इब्रार अहमद रिजवी उर्फ मुश्ताक उर्फ नोमान इस नेटवर्क के अहम तरीन रुकन है, जो कि तनवीर अब्बास यानी मास्टरमाइंड से हिदायत और रकम लड़कों तक पहुंचाता था और इसकी जिम्मेदारी यह भी है कि वो टारगेट मुंतखब करता था और रेकी करता था और उसके बाद उनको ये मर्डर के लिए टारगेट दिया जाता था। अब तक हमारी इत्तला के मुताबिक लगभग 18 अफराद जिनमें से 8 ये पुलिस ने सक्सेसफुली अरेस्ट किए हैं, लेकिन टोटल हमारे इस अब तक की जो तफ्तीश है उसमें ये है कि 18 लड़के ये ट्रेनिंग करके आए हैं और जो मुलजमान कराची से तरबियत के लिए जाते हैं वहां उन्हें वहां मौजूद इस नेटवर्क के लोग बस अड्डे से अपने हमराह ले जाते हैं और एक खुफिया मकाम पर रखकर उन्हें असला चलाना, ग्रेनेड चलाना, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह और धमाका खेज मवाद को तैयार करने की तरबियत देते हैं। मुलजमान का ज्यादातर नेटवर्क और ताल्लुक औरंगी टाउन, बफर जोन, मलीर और न्यू कराची में सरगर्म है। मुलजमान के दीगर साथियों में जकी काजमी, शफात हुसैन, कोड नेम अशरफ, मोहसिन फरद, दानिश और जीशान अली अब्बास की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं और ये नेटवर्क कराची में 2009 मार्च से अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जबकि इस नेटवर्क का एक और ग्रुप भी है जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और उसका सुराग लगाया जा रहा है। इन मुलजमान ने जो मर्डर केसेस का अब तक माना है उसमें डॉक्टर बाबर मन्नान जो कि मोमनाबाद पुलिस स्टेशन की हद में उनका कत्ल हुआ था, फिर डॉक्टर जावेद शकूर नाजमाबाद में ये वारदात हुई थी, डॉक्टर खुर्शीद औरंगी टाउन में, मोहम्मद निसार गोदरा कैंप में, मुआविया तैमूरिया थाने की हद में, मुख्तार अली ख्वाजा अजमेर नगरी, नईम अहमद मोमनाबाद की हद में, अशरफ हारून औरंगी टाउन पुलिस स्टेशन की हद में, मुश्ताक अहमद बलोच कॉलोनी, कारी इकबाल सुरजानी टाउन, मोहम्मद इमरान शारह नूरजान, मुदस्सर आलम सर सैयद पुलिस स्टेशन की हदूद में इन लोगों के मर्डर हुए थे। मजीद इंटरोगेशन और तफ्तीश जारी है। सरदस्त इनसे एक अदद क्लेश्निकॉफ, 2 9mm पिस्तौल, 1 अदद माउजर, 1 हैंड ग्रेनेड, 3 TT पिस्टल और मुतअद्दद एमुनिशन मिला है और 9mm की राइफल और दीगर असला मिला है। इन मुलजमान के कब्जे से 15 अफराद की टारगेट लिस्ट भी मिली है जिसमें मजहबी रहनुमा, उलमा इकराम और पुलिस अफसरान के नाम शामिल हैं। इनमें से बेशतर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनामात भी रखे थे क्योंकि इनके हमें जो इंटरसेप्ट आ रहे थे और ट्रांसक्रिप्ट आ रहे थे और इनके मर्डर्स इतने फ्रीक्वेंट थे और डॉक्टर्स की कम्युनिटी में और दीगर बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी इस बारे में काफ़ी अनरेस्ट था, तो इन इनामात के अलावा जो इस टीम में कलीदी किरदार जिन लोगों ने अदा किया है उनकी प्रमोशन भी हमने रिकमेंड की है गवर्नमेंट को। ये है बेसिक, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके 8 मेंबरान SIU पुलिस ने कामयाबी से अरेस्ट किए हैं और जैसे कि मैंने बताया कि ये केसेस सरे दस्त 12 मर्डर केसेस उन्होंने माने हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। किस इलाके में अभी इसकी तो वो कर रहे हैं, खोज लगा रहे हैं, लेकिन सरे दस्त नॉर्दर्न एरियाज पारा चनार साइड से इनके कैंप्स का वो पता चला है। ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, फंडिंग का सोर्स हम देख रहे हैं आया क्राइम से ये करते थे या इनको किसी किस्म की और फंडिंग का वो था सोर्स। जी
टारगेट लिस्ट वो अभी तक हम जरा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, पहले उनकी सिक्योरिटी का हम बंदोबस्त कर लें, बिकॉज ये पूरा ग्रुप तो हमारे हाथ नहीं आया, इनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और जो जो इनकी टारगेट लिस्ट पे नाम आए हैं उनको हम सीक्रेटली बता रहे हैं और उनका सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। रिवॉर्ड जी जी बिल्कुल मिलेगा जी, बहुत बहुत बड़ा काम हुआ है और ये जो लड़के अपने साथ असाइन करते थे उनको बाकायदा तनख्वाहदार तरीके से रखते थे ताकि उनको उनके घर बार को और उनको वो देख सके, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सब कुछ हो रहा था और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि इस नेटवर्क को अनावृत किया है इन्होंने और क्योंकि आपने देखा था कि मुहर्रम के महीने में भी हमें प्रॉब्लम यही था कि सेक्टेरियन मर्डर्स हो रहे थे दोनों साइड से और काफ़ी रिटोरिक भी चल रही थी, तो खदशा यही था कि फिर ये सेक्टेरियन टारगेट किलिंग से फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एक सिचुएशन स्पायरल हो जाती है। जी इनकाउंटर स्मूथ तो नहीं होता लेकिन यह है कि फॉर्चुनेटली हमारी तरफ से किसी को वो गजन नहीं पहुंची, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था इसमें। You're just listening to CCPO Karachi Fayaz Lagari addressing the media in Karachi talking about